ओके सो ये जो है आपके पास क्या है की पॉइंट्स से जो हमें कंसिडर करने होते हैं, जिसके एग्जांपल आपको जो है नेगेटिव मैसेज की बुक में आपको गिवन है, जिन्होंने जो है पॉजिटिव तरीके से आपको जो है बताया हुआ है कि कैसे आप एक नेगेटिव मैसेज को अवॉइड करेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग अनाउंसमेंट मे माइट बी मेड एट एन एयरपोर्ट फॉर अ डिलेड फ्लाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी होप यू हैव इंजॉयड अ मैजिकल विजिट टू हवाई एंड टेक विद यू मैनी वंडरफुल मेमोरीज दैट विल रिमेन विद यू फॉर लाइफ। ठीक है, अब ये क्या है, एक पॉजिटिव न्यूट्रल स्टेटमेंट लिया। उसके बाद ये क्या कहता है, कहता है कि इट इज़ विद रिग्रेट दैट वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड बाई 7 आवर्स। दिस इज़ ड्यू टू अ सिक्योरिटी अलर्ट दैट हैज़ डिलेड ऑल इनकमिंग एयरक्राफ्ट। कि अब आपको जो है क्या कर दिया, बफर स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि आप जो है एक अच्छा सफ़र कर रहे थे, एक अच्छा सफ़र आपका होगा, जो आप चाहते थे कि हवाई जाएँ वहाँ पर इंजॉय करें। लेकिन क्या हुआ कि हमें जो है अफसोस के साथ जो है बताना पड़ रहा है कि आपकी जो है फ़्लाइट वो 7-8 घंटे जो है डिले हो गई है। अब इसके बाद इन्होंने थर्ड आपको क्या कर दिया, जो हमने कहा था कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन आपको क्या दिया, इन्होंने कहा कि हमारे जो है सिक्योरिटी कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं वो सारी की सारी डिले हुए हैं। इट मीन्स कि सिर्फ आपकी फ़्लाइट डिले नहीं हुई बल्कि बाकी फ्लाइट्स भी डिले हुए हैं, ताकि कस्टमर जो है नेगेटिवली रिएक्ट ना करें कि हमारी फ़्लाइट क्यों डिले हुई है, बाकी तो चल रही हैं। तो आपने उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि विल्स द डिले इज़ ह्यूजली रिग्रेटेबल, पैसेंजर सेफ्टी रिमेन्स आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड सिचुएशन सच एज दिस डू अकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और फिर आपको जो है ये भी बता दिया कि एक पॉजिटिवली आपको ट्रीट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं, इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी है आप लोग, तो हम आपकी सेफ्टी की खातिर क्या कर रहे हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ रही हैं, थोड़ा सा हमने डिले किया हुआ है, लेकिन हम जो है टाइम टू टाइम इस तरीके से ये सिचुएशंस आती हैं जब हमें सिक्योरिटी का इशू होता है। तो अब प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर तरीके से वो अंडरस्टैंड करता है। सो इसलिए कहता है कि विल्स सच सर्कमस्टांसेस आर कम्प्लीटली आउटसाइड आवर कंट्रोल, वी डू स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन यू। सब्सिक्वेंटली वी आर प्लीज टू ऑफर ऑल पैसेंजर्स कम्प्लीमेंट्री फूड एंड बेवरेजेस वाउचर्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेल्प डेस्क। अब आप उसको क्या कर रहे हो, सेंपथी शो कर रहे हो, उसके साथ पॉजिटिव इंप्रेशन शो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली इनकार कर देते हो तो वो जो है आपके अगेंस्ट नेगेटिव बातें फैला देगा, यार ये फ्लाइट सिस्टम बड़ी बेकार है, ठीक है हमें तो इतना घंटे वेट कराना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी और कहा कि ये सिचुएशन हमारे हैंडल करने से बाहर है। क्यों हमारे हैंडल करने से बाहर है, क्योंकि जो है क्या हो सकता है कि अब जो है सिक्योरिटी इशूज़ हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस करना जो है ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है, ठीक है जब इनकर होगी तो तभी जो है वो उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि आपका जो जो टाइम है वो हम क्या कर रहे हैं, वो आपको रिप्लेस करके दे रहे हैं किसी चीज़ के साथ कि हम आपको जो है फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप जो है तब तक वो इंजॉय करें, हम जो है इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। सो वाउचर कैन बी यूज इन मैनी वंडरफुल रेस्टोरेंट्स एंड बार्स इन द एयरपोर्ट एंड वी होप दैट यू आर एबल टू इन्जॉय दिस अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशन टू योर टाइम इन हवावे। क्योंकि क्या कि आपके जो ये टाइम एक्सटेंशन जो आई है तो हम आपको क्या करें उसके बदले में एक वाउचर दे रहे हैं, जिसके ज़रिए से आप अपना टाइम जो है क्या कर सकते हैं होटल वगैरह में एक प्रॉपर तरीके के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइड मैसेजेस। इम्प्लाइड मैसेजेस, इम्प्लाइड मैसेजेस क्या होते हैं, कहता है कि टू इम्प्लाई इज टू स्ट्रांगली सजेस्ट द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली स्टेटेड। ठीक है कि आप क्या करते हो कि किसी को एक चीज़ के बारे में बताते हो, एक हकीकत के बारे में बताते हो, लेकिन वो जो है स्टिल अभी जो है लोगों के सामने नहीं है, ठीक है, या जो आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे उन्हें एग्जाम्पल दिया, कहता है कि द आर्टिकल इम्प्लाइज दैट 1,000 jobs विल बी लॉस्ट। कि आर्टिकल ने क्या किया, इम्प्लाई किया हुआ है उसने, बताए हुए कि लोग जो है 1,000 of job जो है लॉस्ट हो जाएंगी लोगों की। तो अब ये जो है पहले से आपको बताने की कोशिश कर रहा है, एक सिचुएशन के बारे में खबरदार कर रहा है, लेकिन लोग इसको जो है नहीं मानते। इसके अगर हम एक दूसरे सिंपल से एग्जांपल लें, जैसे आप जो है गाड़ी के एड्स वगैरह देखते हैं तो आपको कहते हैं कि जी इतना कम्फर्ट है इसका, इतना जो है लग्जरियस है। तो अब ये सारी बातें वो जो है आपको बता रहा है, ठीक है, इन रियलिटी वो कितनी पॉसिबल एग्जिस्टेंस है वो अभी तक आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने जो है उसको अभी तक चेक नहीं किया। लेकिन वो इतना जो है सजेशन के आपको सजेस्ट कर रहा होता है स्ट्रांगली, या जब वो आपको वो ट्रुथ इतना ज़्यादा बताने की कोशिश करता है कि आप उसको हकीकत समझ लेते हो। जैसे आपके पास 3D एनिमेशन जो है चीज़ें होती हैं कि आप उसमें मूवीज़ वगैरह को देखते हो तो आप कहते हो कि जी ये तो रियलिटी में वो बंदा है, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं होती, वो 3D क्रिएटेड होती है। तो इम्प्लाइड मैसेजेस भी ऐसे ही होते हैं कि जो आपके पास जो है लोग जहन में अपनी बातें क्रिएट कर लेते हैं, जिसका आसान एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको शो किया हुआ है कि जैसे आपके पास एक्शंस हैं और दूसरी तरफ इन्होंने आपको कहा हुआ है कि पॉसिबल इम्प्लाइड मैसेजेस हैं, कि कौन कौन से आपके पास जो है पॉसिबिलिटीज हैं इम्प्लाइड मैसेजेस की,
वो जो है उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है. सो कहते हैं कि केयर मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग और इंटरप्रेटिंग इम्प्लीकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन एज देयर इज इनहेरेंटली इंक्रीज रिस्क दैट मैसेज मे बी मिस इंटरप्रेटेड. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि सीनियर मैनेजर इज ऑलवेज लेट फॉर इंटरनल मीटिंग. ठीक है, अब एक मैनेजर है वो रोजाना जो है मीटिंग के लिए लेट आता है, तो इससे जो है हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक थॉट निकाल सकता है. एक बंदा ये कहता है कि द मैनेजर डजंट केयर अबाउट द मीटिंग और द अटेंडेंस, कि उसको जो है परवाह ही नहीं है. ठीक है, हर बंदा यही सोच अपने अपनाना शुरू करता है, कहता है यार ये बंदा जो है बिल्कुल सीरियस नहीं है. जैसे आपके घर वाले आपको जो है एग्जाम्स वगैरह में देखते हैं, कहते हैं कि ये पढ़ाई में सीरियस नहीं है. अब आप सारा दिन पढ़ते रहते हो लेकिन उस वक्त वो रूम में कोई नहीं आता, जैसे ही मोबाइल उठाते हो उस वक्त कोई ना कोई आ जाता है. ठीक है, तो वो सिचुएशन आपके लिए क्या होती है कि वो आपको कहते हैं जी सारा दिन मोबाइल पे लगी हुई, अब आप 10 घंटे पढ़ रहे थे वो किसी को नजर नहीं आ रहा. नाउ दिस इज इम्प्लाइड मैसेज, कि वो जो है एक थॉट क्रिएट कर दिया, वो बात क्रिएट कर दी जो उसको नजर आया, बस उसने अपने जो है एक ख्याली मैसेज क्रिएट कर दिया. दूसरी सिचुएशन में कही है, कहता है कि द मैनेजर इज एक्सट्रीमली बिजी ड्यू टू एन एक्सेसिव वर्कलोड एंड नीड्स मोर स्टाफ, कि जो है मे भी हो सकता है कि मैनेजर बहुत ज्यादा बिजी है, उसके काम बहुत ज्यादा होता है और उसको मजीद स्टाफ की जरूरत है, अदरवाइज जो है उसको मीटिंग अटेंड करना प्रॉब्लमेटिक होता है. थर्ड कहता है कि द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग इज नॉट कन्वीनियंट एंड शुड बी मूव्ड, और हो सकता है कि वो जो है टाइमिंग सही नहीं है, सूटेबल नहीं होती, जिसमें जो है वो पहुंच सके या उसका आना पॉसिबल नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो लेट आ रहा होता है. दूसरी जो इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि एप्लीकेंट सबमिट्स अ रेज्यूमे फुल ऑफ स्पेलिंग एंड प्रेजेंटेशन एरर. अब आपको जो है एरर्स नज़र आ गए हैं, तो अब उसको जो है एक नेगेटिव इंप्रेशन बहुत ज़्यादा जाता है जब भी आप जो एक मैसेज टाइप करते हो या जो है प्रेजेंटेशन करते हो और उसमें जो है इस तरीके से मिस्टेक्स होती हैं, तो हर बंदा वो गलतियाँ निकालने की कोशिश करता है. तो कहते हैं कि जब आप इस किस्म की जो है जॉब के लिए जाते हो, वहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप जो है हमें डेमोंस्ट्रेशन दें, डेमो दें, कि आप जो है इस टॉपिक के बारे में बताएं, और आप जैसी स्लाइड ओपन करते हो उसमें एरर्स हों, मिस्टेक्स हों, उसमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वो पहली चीज़ यही सोचेगा कि यार ये बंदा जो है बिल्कुल सीरियस ही नहीं था, इस काम को सीरियस नहीं समझ रहा था, बस जो है मुंह उठा के चला आया और बस इसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी. ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जी या जो है इसको इंग्लिश नहीं आती, इसकी अंग्रेजी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं. थर्ड चीज़ आपके पास आ सकता है कि एप्लीकेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट गेटिंग द जॉब, और यह हो सकता है कि जी वो जो है जॉब हासिल करने के लिए सीरियस नहीं था, बस रस्ते से जा रहा था, इसने देख लिया कि जी डेमोज वगैरह चल रहे हैं, तो ये भी आके बैठ गया. तो ये आपके पास इम्प्लाइड मैसेजेस होते हैं जो आप क्या करते हो कि खुद माइंड में क्रिएट करते हो और आपके जो है ये चीज़ें मिस इंटरप्रेट होती हैं. तो आपको क्या करना पड़ता है कि अपने एक्शंस को प्रॉपर तरीके से प्रूव करना पड़ता है, आप उसमें लेवल ऑफ सीरियसनेस शो करते हो ताकि आपके अगेंस्ट जो है इम्प्लाइड मैसेजेस क्रिएट ना हो, कि लोग जो है अपने जहन में उसके ख्याल ना लेकर आएँ और आप जो है फिर उसको प्रूव भी ना कर सको. जैसे अब आपके पास जिन्होंने जो जॉब एप्लीकेंट का कहा कि जब आप रेज्यूमे वगैरह देते हो उसमें एरर्स होती हैं, तो अब वो आपको जो है इसी को कंसिडर करेगा कि आप जो है सीरियस नहीं थे. अब आप उसको जितना भी प्रूफ देने की कोशिश करो कि नहीं मैं तो सीरियस था, ये जो है ऑफिस में इशू था या कुछ था, वो इसको नहीं मानेंगे क्योंकि आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत दे दिया. ठीक है, तो ये जो है आज के हमारे टॉपिक्स थे. इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.